आपको दिखाऊंगा कि कोरल ड्रा से बिजनेस कार्ड को कैसे प्रिंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जी, तो एक तो ये तरीका है कि आप मैन्युअली इसका सेटिंग कर दें, ठीक है। आप यहाँ पर ये ए4 साइज़ का पेज मैंने ओपन किया है, ठीक है। एक कार्ड आप यहाँ पर रख दें और इसका कंट्रोल डी से कॉपी बनाइए और इसको यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। एक साथ ग्रुप करें और फिर जाइए एडिट में और स्टेप एंड रिपीट में, स्टेप एंड रिपीट ऑप्शन को ओपन करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने इसकी कॉपीज़ बनानी है, वो भी सेम स्पेस के साथ। तो बीच का जो स्पेस है ये एक जैसा होना चाहिए, तो हमें 4 कॉपीज़ और चाहिए। हम इसको अप्लाई करते हैं। देख लिया दोस्तों आप लोगों ने, ये एक मैनुअल तरीका है बिजनेस कार्ड को A4 साइज़ में प्रिंट करने का। तो एक ये तरीका है और दूसरा तरीका यही है कि आप बिजनेस कार्ड का जो साइज़ है उसी साइज़ का आप पहले पेज का जो साइज़ है वो बनाएंगे। तो बिजनेस कार्ड का जो साइज़ है वो है 3.5 और 2.0। तो सबसे पहले हम बिजनेस कार्ड का जो साइज़ है पेज है वो बनाएंगे 3.5, 2.0, ठीक है। और फिर बिजनेस कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और पी पी का प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हम फाइल में जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये सेकंड वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है, पोजीशन लेआउट टूल, और यहाँ पर आपने लिखना है 2 और नीचे आपने लिखना है 5, ठीक है। और फिर एंटर प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो बीच का जो स्पेस है, अगर आप ये कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसी तरह का जो इस साइड का स्पेस है आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें, आप इसके प्रीव्यू देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप 2 साइड प्रिंट करना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी एक सेटिंग बन गया है, ठीक है। तो आप इसको क्लोज़ करें, इसको पहले प्रिंट करें और फिर इसको क्लोज़ करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास दूसरा साइड है बिजनेस कार्ड का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दूसरा साइड है, तो इसको आप सेलेक्ट करें और पी पी का बटन प्रेस करें और प्रिंट प्रीव्यू में जाइए। ऑलरेडी सेटिंग बना हुआ है, बस आप जस्ट चेक करें और उसके बाद उसको प्रिंट करें तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आप दोस्तों बिजनेस कार्ड के अलावा आप किसी भी साइज़ का छोटे कार्ड्स या छोटे स्टिकर्स वगैरह आप बना सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है कि आपका जो कार्ड का या स्टिकर का जो साइज़ है उसी साइज़ का पेज का साइज़ भी बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो इसका साइज़ 1x1 इंच है, तो हम पेज का साइज़ भी 1x1 इंच बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, पेज का साइज़ 1x1 बन गया। और फिर उसके बाद पी का बटन प्रेस करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू, उसके बाद पोजीशन लेआउट टूल। और देखिए दोस्तों, हमने पहले 10 कार्ड बनाए थे तो ये ऑटोमेटिकली अभी 10 आ गया है, लेकिन ये देखिए पूरा पेज खाली है, तो उसको अभी इसके साथ भरना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और यहाँ पर हम लिखेंगे 10। तो देखिए दोस्तों, ये
सारे छोटे छोटे कार्ड्स अभी हम A4 साइज के ऊपर अभी हम प्रिंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें मैन्युअली सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्रिंटिंग में, कोरल ड्रा से या फोटोशॉप से या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से या इवन PDF फाइल से, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।